अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल मैन, मेरे साथ है हम आप सुबह देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो कलेक्शन लेके आए जो कि हमें सजेस्ट की है आकाश शर्मा ने, और जो वीडियो उन्होंने सजेस्ट किया उसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली ऑब्जर्वेशन डेक, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ न्यू दिल्ली। तो वीडियो पे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं जी कौन सा ब्रिज है। सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली सिग्नेचर होगा लगता है, जो ऊपर पॉइंट दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं, दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये, जहाँ पे अभी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिल्ली सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर इस जगह से चल रहा हूँ मैं। तो जब ये वीडियो में डालूंगा तो इतिहास के पन्नों में इनका नाम छपा रह जाएगा हमेशा। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में आप जब भी जाएं पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जाएं। तो दिल्ली के हाईएस्ट पॉइंट से मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन पे हिट भी कर दीजिएगा, सो दैट जब भी मैं ऐसे एडवेंचरस वीडियोस डालूं उसके अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं सिग्नेचर ब्रिज घूमने वाला हूं। सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर जो टावर है उसके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाऊंगा, जिसे कहते हैं कि कुतुब मीनार से वो डबल हाइट में ऊंचा है, और वहां जाके आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली वहां से कैसा दिखता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो दिल्ली का। सभी लोग ये है जी सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली। फाइनली हम लोग सिग्नेचर ब्रिज पहुंच गए हैं और इत्तेफाक से हम दोनों ने आज मैचिंग पहना है। ये जो ऊपर आपको पॉइंट दिख रहा है अभी मैं ऐसे दिखाते हैं, ये जो ऊपर पॉइंट दिख रहा है अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं। अब ऊपर जाने की तैयारी चल रही है, मतलब वो वाला ऊपर नहीं, सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर जाने की तैयारी चल रही है। मैं खैर इंजीनियर ही हूँ इसलिए ये कैब सूट करता है, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस हूँ लेकिन ये सिविल इंजीनियरों की पहचान है। तो सबसे अच्छा तरीका है कॉमर्स कर लो और आके बाद में ये कैब पहन लो, सिविल इंजीनियर बन जाओ। हमारे पीछे सिग्नेचर ब्रिज जहाँ हम ऊपर चढ़ने वाले हैं अभी, ये ऊपर तो हम यहाँ पे जाने वाले हैं ऊपर, और वहाँ से जाके आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली कैसा दिखता है। हम लोग को डर लगेगा अभी ऊपर जाने से? अभी हम बिल्कुल ऊपर में सिग्नेचर ब्रिज के, और ये हाईएस्ट पॉइंट है। कितने फीट हम ऊपर हैं अभी? मैं और सौरभ अभी 140 मीटर्स के करीब आए हैं ऊपर, और अभी हमें यहाँ से उधर और ऊपर जाना है। अभी हम वहाँ जाएंगे ऊपर, ऊपर चल के फिर वहाँ से देखते हैं कि वहाँ से क्या नजारा होगा। वो दिखा रहे थे वो भी कुछ छोटा सा दिखा रहे थे कि हमें प्लेन में आइए, लेकिन यहाँ पे तो अच्छी खासी जगह है। बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है ऊपर आकर। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डर लगा था बट अब वैसा कुछ डर नहीं है। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो डेफिनेटली आपके लिए ये जगह नहीं है, और अगर हाइट से डर नहीं लगता है, हाइट में जाकर ऊपर से देखने का आपका शौक है ऊपर से कैसा दिखता है ईगल आई से, तो आप इस जगह पे आके डेफिनेटली देख सकते हैं। और जब ये पब्लिक के लिए खुलेगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हैं। आई थिंक टिकट बहुत नॉमिनल होगा, शायद 50 रुपये से भी कम का टिकट होगा। यहाँ पे बहुत पॉपुलर प्लेस होगा ये टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए। दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर। और ऊपर चला जी, ऊपर डेफिनेटली गर्मी बहुत है।
अभी हम यहाँ ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर लाइट टावर वाली स्टेयर्स हैं। काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये वो सिग्नेचर ब्रिज का प्रॉब्ली पॉइंट होगा जहाँ से आप ऐसे शीशे में सारी दिल्ली देख सकते हैं चारों तरफ। और फिलहाल हम यहाँ से ऊपर सिग्नेचर ब्रिज का टॉप मोस्ट टावर पॉइंट है। कॉमर्स पढ़ने के बाद मैं इंजीनियर बना हूँ तो मुझे स्पेशली बुलाया गया है कि आगे सिग्नेचर ब्रिज का चेक कर लो सारा कुछ, पल्स वल्स चेक कर लो सब ठीक है नहीं, फिर मैं अप्रूवल दूंगा तब ये खुलेगा आप लोगों के लिए। जैसे ये खुल जाएगा तो लोग यहीं पे आके लोग नज़ारा लूटेंगे। हम आ गए हैं सबसे ऊंचे टावर पे, फिलहाल यहाँ से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है और ये दिल्ली का हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट तो दिल्ली के हाईएस्ट पॉइंट से मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन पे हिट भी कर दीजिएगा सो डेट जब भी मैं ऐसे एडवेंचरस वीडियोस डालूं उसके अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके ऊपर और कुछ नहीं है तो फिलहाल मैं सिग्नेचर ब्रिज के हाईएस्ट पॉइंट पे हूं और दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये। इसके ऊपर सिर्फ आसमान है और सूरज और हवा है। तो ये चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ ये हाईएस्ट पॉइंट। अब ये कितने मीटर है बड़ा ये बता नहीं बताया इसमें। चार लोग 154 शायद कह रहा था, लिखा हुआ था वो। अच्छा 154 है। तो दिल्ली के हाईएस्ट पॉइंट से नजारा कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो दिल्ली ये आप चील देख सकते हैं, चील बिल्कुल हाइट से उड़ रही है, उसको अंदाजा भी नहीं हुआ कि एक दूसरी चील उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था। अब हम लोग नीचे वापस लिफ्ट से जाने वाले हैं और ये ब्रिज बहुत ही खतरनाक ब्रिज है जिससे हम जाने वाले हैं और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह से चल रहा हूँ मैं यहाँ सामने, सौरभ है जो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये हम ऊपर वाले टावर से उतर गए और ये नज़ारा है और पीछे का नज़ारा देखो आप। पीछे हमारे यमुना रिवर है, ये पीछे यमुना रिवर आप देख सकते हो। मैं चारों तरफ घूम के भी आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये खड़ा कहाँ पे है? दिल्ली बहुत ग्रीन है वाकई में। आप देख सकते हैं कि ये सारे हैं जिन्होंने ईंट से ईंट जोड़ के सिग्नेचर ब्रिज को बनाया है। भैया अपना नाम बताओ। लोहा से लोहा जोड़ के भाई। रमन कुमार। तो जब ये वीडियो में डालूंगा तो इतिहास के पन्नों में इनका नाम छपा रह जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो सौरभ कैसा लगा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिल्ली को सही में एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है। अंडर डेवलपमेंट है लेकिन बहुत जल्दी मेरे हिसाब से ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और अभी अभी हमारा लिफ्ट रुक गया है आधे रास्ते में। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है? इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और हम तो बीच में अटक चुके हैं ना ऊपर ना नीचे, बीच में हम बिल्कुल बीचों बीच अटके हुए हैं अभी। और इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज काम करती है वो भगवान का नाम। इसलिए भी बड़ा मजा आता है। इसलिए आए और हम लोग नीचे उतरे हैं सेफ वे में। सो यू कैन सी हाउ पॉल्यूटेड रिवर यमुना इज। कितने लोग आ सकते हैं? यमुना इज कमिंग वेरी गुड वे फ्रॉम दिस साइड बट यू सी ऑल द डर्ट्स of the city is coming from this and it's all dirty dirty dirty. आप सबकी दुआ काम कर गई है और बिजली आ गई है वापस और हम बिजली की तेजी से नीचे जा रहे हैं। हम दोनों उतर चुके हैं और बिल्कुल सौरभ को सनबर्न हो गया है काफी। देखो आप लाल तो लाल हो गई। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग सारे कमेंट कीजिए कि सनबर्न से छुटकारा कैसे मिले सौरभ को और बताइए सौरभ आपके हर कमेंट को पढ़ेगा और आप जो भी नुस्खे बताएंगे
अब वीडियो के कमेंट में फोन उसका मैं अपनाऊंगा और अगर मुझे फायदा किया तो फिर मैं आपको उस पर रिप्लाई करके आपको थैंक्स करूंगा। फाइनली हम अपने गाड़ी में वापस आ गए हैं और बैंड बज गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीने स्वेट हो गए, मुझे स्किन बर्न हो गया और बाकी मज़ा आया खूब, बहुत रोमांचक था इतने हाइट पर जाना। और हाइट तो खैर हाइट की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली का ये हाईएस्ट पॉइंट था और इस पर काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू प्रखर सहाय फॉर टेकिंग मी अलॉन्ग टू सच एडवेंचरस ट्रिप। अगर आपको भी मेरे साथ ऐसे ही एडवेंचरस ट्रिप्स में जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में मेरे साथ टच में रहना और बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लेना। हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें जी। प्रकाश साहू नाम के भाई है ये और जबरदस्त यार वो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा था फेरिस व्हील का, तो ये मैं ये कार पे है फेरिस व्हील, ये जनाब पार्क में भी है इधर मुल्तान में, ये बरी में भी एक दफा था, तो मैं आतंक नहीं बैठा फेरिस व्हील में। क्यों, मैं तकरीबन आज से कोई 4-5 साल पहले मैं जब उधर गया था तो वहां मैंने देखा फेरिस व्हील चलते गोल वाला, भाई मैं बहुत शौक से बैठता हूँ, उसमें लाइट चली गई थी। अच्छा, तो वो बड़ा वर्ष था और 4-5 घंटे बाद जाके लाइट आई थी उधर, उनके पास बैकअप पर जनरेटर नहीं था और कोई है ना कोई स्नोफॉल हो रही थी उस टाइम, तो उसमें काफी है ना वो हो गया था, फीडर ट्रिप हो गया था उधर। तो उस दिन के बाद से भाई मैं फेरिस व्हील कभी नहीं बैठा, मैं छोड़ दिया, मैं भाई ना ऐसे सही है, वो बीच में लटक गया था जैसे उन्होंने कहा ना इनकी लाइट चली गई थी लिफ्ट के अंदर, तो वैसे बंदा लटका मारना ऊपर जा रहा नीचे जा रहा बैठा हुआ, ऐसे ठंड चल रही है ठंडी हवा चल रही है ऊपर से, बंदा कुल्फी बन गया था वहां पे बैठ के। नहीं मैं बहुत शौक से बैठता था, जो गोल वाला झूला होता है उसके अंदर सारी जाली बंद कर देते हैं और उसके बाबा यूं घूमता है, मेरी अम्मी डरा करती थी उससे, लेकिन हम बहुत शौक से बैठते थे, बहुत शौक से, जब भी जाना जनाब पार्क वगैरह जिस भी पार्क में जहाँ पे होता था मैं स्पेशली जिद करके ये झूला लेता था, क्योंकि उससे मुझे पूरा एक नजारा मिलता था, व्यू मिलता था। लेकिन वो हिल पॉइंट पे जाके जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, स्नोफॉल हो रही हो, ठीक है कोल्ड ब्रीज चल रही हो, वो तो फिर उसका यार आप एंजॉय करो ना, एंजॉय तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन भी होती है, एक हाइट का डर भी होता है ना, कुछ लोगों को होता है कुछ लोगों को नहीं होता, जैसे ये बता रहे थे कि बीच में हाँ भाई शुरू में इन्हें डर लगा और फिर इनका डर ऐसा 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 था। अच्छा, जिस बॉक्स में बैठा था वो बॉक्स भी सबसे टॉप पे था, मजे की बात तो ये है जिस बैठगी तो सबसे टॉप पे मेरा वाला बॉक्स था, तो चलांग मार देता मेरा शूट नहीं था, मेरे वाले चलांग मारते था मेरी जमीन में, 10 ही 10 4-5 फीट तक तो पड़ी रहती थी, बहुत मुझे तो बहुत मजा आता था, लेकिन कुछ लोग बहुत डरते हैं, उनके स्टार्ट भी होता है उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, इस तरह का इशू था। ऐसे ही है, तो बैक टू द वीडियो, अगर हम इसको देखें तो दिल्ली में हम जो स्काई स्क्रैपर या मुंबई में स्काई स्क्रैपर देखते आ रहे हैं तो इसने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया, अप्रोक्सीमेटली 154 जैसे आपने बताया तो ये तो तकरीबन 450 फुट हो गया अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इतना बन गया, तो ये बहुत जबरदस्त है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट जब हो जाएगा तो लोग आएंगे, मेरे ख्याल से एक लिमिटेड लोग यहाँ पे वो करेंगे जो एडवेंचरस को पसंद करते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो हाइट से डरते हैं वो तो यहाँ पे यकीन नहीं आएंगे, बिल्कुल जो लोग ये चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चीज का एडवेंचर लेना चाहते हैं, तो वहाँ 50 रुपए टिकट उन्होंने बताइए, लेस देन 50 का अभी खैर पता नहीं है कि कितनी, और ये क्या कहते हैं ये लिफ्ट यही चलेगी या इसको नहीं, ये तो कंस्ट्रक्शन साइड की लिफ्ट है, ये तो बाकी वो बैठा से कैप्सूल लिफ्ट शायद चलाएंगे, तो अभी वो बन भी रहा था उस साइड पे ना, आगे उन्होंने शॉपर बार चढ़ाया हुआ था टाइल लगा कर ना, तो मेरे ख्याल से वो कैप्सूल देखा नहीं है, वीडियो कब किए देख ले तो पता चल जाता है, अब तक बन ही नहीं चुका। हाँ खैर सजेशन आई है, सजेशन आई है तो हमने उस पर कर लिया, तो बड़ा जबरदस्त है कि एंटरटेनमेंट एक एंजॉयमेंट का पॉइंट आपको मिल जाएगा, आप एक सिटी का फुल व्यू ले सकते हो, फिर उन्होंने यमुना जी सैडली वो पोल्यूटेड था बहुत ज्यादा, ये चीज नहीं होती, उसमें भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जैसे साबरमती रिवर का हमने देखा वो नो डाउट सुपर्ब उसको बना दिया, एक दो और रिवर भी थे उन्होंने वो भी स्टेशन आई थे उसका भी उन्होंने रिवर फ्रंट को अच्छा खासा अच्छा किया। अच्छा मैंने देखी थी जैसे, तो खैर अब यमुना एक इनका मशहूर एक है पड़ा, मैंने फिल्मों वगैरह में तो नाम सुना है इसका रिवर का, खैर होपफुली अब तक ये जो यमुना रिवर का इशू है वो रिजोल्व हो चुका, और ये सी लिंक जो ब्रिज है
जब तक बन चुका होगा और लोग आप इसको एक्सप्लोर कर चुके होंगे, और चुके जो जो इसका अगर ये बन चुका है और जिसने इसका एक्सपीरियंस लिया है तो वो लाजमी तो लाजमी हमें बताइएगा कि हाँ भाई कैसा लगता है इतना ऊपर हाइट पे जाके और एक्सप्लोर करना। मीनारे पाकिस्तान की तो हाइट इससे कम ही होगी ना, हम उसकी टॉप पे गए थे जब ये ओपन था, अब तो नहीं है ओपन मेरे ख्याल में। वो बैरी टाउन में वो भी बनाया ना एफिल टावर लाहौर में, अच्छा उसको भी एक्सेस है ऊपर तक, एक्सेस है उसको ऊपर तक जाने की, सही तो वो भी जबरदस्त है, तो एक ऑसम है। लेकिन मैंने देखा नहीं है मेरे ख्याल से किसी को जाते, ज्यादा लोग नीचे जाते हैं ऊपर क्योंकि हाइट से वो तो बदला तो जाते हैं तो सेल्फी लेके आ जाते हैं बस, उसके अलावा ना बाकी वो नहीं है। बड़ा जबरदस्त है एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट थ्रिलिंग पॉइंट है ये, और इस पॉइंट पे जैसे लोग जो होते हैं बोर होते हैं टिकट भी चीप वो बता रहे हैं अभी जो इनिशियल स्टेज आई थिंक सो ये, तो उस हिसाब से जबरदस्त एक एंटरटेनमेंट का आपको पॉइंट मिलेगा दिल्ली के अंदर और आप एंजॉय करेंगे वहां पे काफी। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप हमें ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है व्यूज कॉर्नर के नाम से, उसको लाजमी लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड कीप सजेस्टिंग। अब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।